सबसे पहले तो नगर निगम के पार्षदों के साथ और अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करके कुल मिलाकर के नगर निगम क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में थोड़ी समीक्षा की। उसमें जहां कहीं कठिनाइयां वो सब पार्षदों ने ध्यान कराई हैं। सब अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें। कुछ वार्डों में पीने के पानी के पाइप की समस्या, सामान्यतः सीवरेज के काम, चूँकि पहली बार पब्लिक हेल्थ से लेकर के और ये काम नगर निगम में दिया गया है, तो जो आपसी तालमेल में थोड़ी कठिनाई आ रही थी, उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमने ACS के जो ACS हैं हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनके साथ यहाँ के अधिकारियों की एक मीटिंग कराने का तय किया ताकि वो टीथिंग प्रॉब्लम्स वो ख़त्म हो जाए। स्ट्रीट लाइट्स के बारे में भी चिंता की गई, तो जहाँ कहीं कम वोल्टेज की लाइटें हैं उनको हाई वोल्टेज की लाइटों में बदला जाए, और जो बहुत सालों से पुरानी लाइटें लगी हुई हैं उनको भी बदल करके अब LED की लाइटें, जिससे पावर की कंजम्पशन कम होगी, उसको बदलने के लिए कहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर भी एक प्रकार से, क्योंकि वो सेंट्रल प्रोजेक्ट है तो उसमें क्लियर कराने में समय लगा है, अब उस पर काम शुरू हो गया है। इसी प्रकार सफाई की व्यवस्था, वो भी जो कठिनाइयाँ हैं वो सब सामने रखी गई हैं। डोर टू डोर कलेक्शन में ठीक से वो चल रही है, लेकिन डंपिंग का जो काम है उसमें थोड़ा जो शिकायत आई है उसको दूर किया जाएगा। इन सब विषयों पर एक प्रकार से रिव्यू करते हुए ये मीटिंग समाप्त की। बाद में आज प्रधानमंत्री जी ने अपने इस दूसरे सत्र की पहली प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम सामूहिक रूप से सब लोगों ने सुना है, और बहुत अच्छा लगा कि समाज के अंदर बहुत ऐसे विषय जिनकी चिंता प्रधानमंत्री को है, वो ऐसे विषय हैं जो भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। खास तौर पर जैसे जल संचय की बात उन्होंने कही, सारे देश भर में जल संचय का आह्वान किया गया है। मुख्यमंत्री अपने सरपंचों को उन्होंने स्वयं पत्र भी लिखा है, गांव-गांव में इन विषयों के ऊपर जो काम करने लगे हैं। हमने भी हरियाणा में कई स्टेप्स उठाए हैं, जैसे तालाब अथॉरिटी बना करके 14,000 तालाबों को ठीक किया जाए ताकि पानी बरसात का वहाँ इकट्ठा हो और जल संरक्षण के नाते उसका उपयोग किया जा सके। इसी प्रकार जल ही जीवन है योजना चलाई है, जिसके अंदर जो धान की बिजाई करने वाले किसान हैं उनको अपील की गई है कि धान की खेती का एरिया थोड़ा कम करके अन्य फसलों पर आएँ, खास करके मक्का पर। तो मुझे खुशी है कि हमने जो टारगेट इस वर्ष का, क्योंकि पहली बार ये अपील की गई है, तो 7 जिलों में अपील की थी, जिसमें 40,000 हेक्टेयर पर लोगों ने धान की बिजाई के बजाय अन्य फसलों पर आने का अपना संकल्प जताया है। इसमें हमने उनको कुछ सुविधाएं देने का भी डिक्लेयर किया है कि जो भी नई फसल बोएंगे उसका बीज सरकार मुफ्त देगी, 2,000 रुपया एकड़ उनको सब्सिडी मिलेगी, और प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसका प्रीमियम किसान को जो देना पड़ता है वो सरकार देगी, और उनकी जो फसल है उसकी मार्केटिंग, उसकी परचेज ये सरकार खरीदेगी, ताकि किसी प्रकार की नई फसल पर डाइवर्ट करने के लिए किसानों को आने वाली कठिनाइयां हैं उनको पहले से ध्यान करके उसको दूर किया है। एक जल ही जीवन यानी जल संरक्षण के नाते से ज़मीन के जल को कम से कम लोग निकालें, ताकि हमारा जो लेवल है पानी का ज़मीन का वो सुधर सके। बड़ी विडंबना की बात है कि जो देश भर में 200 जिले जिनका आंकलन किया गया है कि वहाँ जल स्तर बहुत कम हो गया है, बहुत विडंबना है कि उसमें से 18 जिले हरियाणा के आ गए हैं। तो हरियाणा में हमने अपील की है कि कम से कम जल जमीन से निकालें, ज़्यादा ज़्यादा जल संरक्षण से वर्षा का पानी वो जमीन के अंदर डालें। इसके ऊपर जन अभियान हमने वैसे तो पिछले वर्ष भी जो ऐसे नक्शे पास किए गए जहाँ जल संरक्षण के नाते, रिचार्जिंग के नाते जो उन लोगों ने अपने अरेंजमेंट्स किए थे प्लॉट धारकों ने, वो काफ़ी मिट्टी से गाद से भर गए हैं, कहीं नॉन फंक्शनल हो गए हैं। उन सबको हमारी लोकल बॉडीज़ ने दोबारा से चालू करने का काफ़ी अभियान लिया है, कुछ एजेंसियों को नियुक्त किया है ताकि वो सारे ठीक हो जाए, और नए जितने भी प्लॉट धारक हैं, बिल्डर्स हैं, उनके नक्शे तभी पास होंगे जब जल संरक्षण की यानी वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था को वो पूरा करेंगे। अभी हम लोगों ने उस काम को अपने हाथ में लिया है, पहले अपील करेंगे लोगों को, अवेयरनेस, उसकी जागरूकता ये लोगों को आए ये करेंगे, और फिर कुछ समय के बाद, क्योंकि एक मौका जनता को देना चाहिए, ये करने के बाद फिर
फिर योग्य समय के ऊपर कोई उसका कानूनन कोई कार्रवाई करनी होगी तो जरूर करेंगे, लेकिन ये हमारा प्राथमिकता का विषय है और केवल सरकार का लाभ नहीं, इसमें जनता का लाभ है, भविष्य की आने वाली पीढ़ियों का लाभ है। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको जरूर हम लागू करने के लिए जो स्टेप्स उठाएंगे सब उठाएंगे। विषय बताया है, मैं संबंधित अधिकारियों को कहूँगा कि इसके ऊपर संज्ञान लें। आज तो अभी हमने जैसे नए प्रोजेक्ट्स हैं, 9 नए प्रोजेक्ट्स उनका शिलान्यास अथवा उद्घाटन किया है, जिस पर 90 करोड़ रुपए राशि के ये सब प्रोजेक्ट्स की लागत है जो जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार एक जो मुझे आप लोगों के माध्यम से जनता को जो बात बतानी है, यहाँ जो नया बस अड्डा बना है बलड़ी चौक पर, जो इंद्री रोड को इंद्री और चंडीगढ़ रोड के बीच में जो स्थान है, उसके नामकरण का विषय काफ़ी दिनों से चल रहा था। उसका नाम हमने तय किया है कि शहीद मदन लाल धींगड़ा उनके नाम से उनका नामकरण किया गया है। एक स्टैचू भी वहाँ लगेगा, उस नाम बस अड्डे का नाम शहीद मदन लाल धींगड़ा के नाम पर रखा गया है। देखिए, हमने नहरों के सब कामों को, चाहे छोटे छोटे काम है चाहे बड़े काम है, इसका आते ही एक बड़ी योजना बनाई थी। लगभग 2200 करोड़ रुपए की योजना पूरे हरियाणा की बनी है, जो हथनी कुंड से लेकर के और टेल तक सारी, खास करके जवाहरलाल नेहरू कैनाल का जो नेटवर्क है इसको ठीक करने वाले हैं, जिसमें 143 करोड़ रुपए की योजना दक्षिण हरियाणा की हमने पहले लागू की थी लिफ्ट इरिगेशन की, तो वो सारी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो मुणक तक का ये सारा प्रोजेक्ट है, इस पर काम चल रहा था, पूरा हो गया कि नहीं हो गया मालूम नहीं, लेकिन काम ही पीछे चल रहा था। और भी इसमें एक जगह पर जो ऑगमेंटेशन कनाल है वो सिंगल है, और उस कैनाल में दूसरी कैनाल का बनाने का, यमुना जिले का एक पार्ट ऐसा लगभग 20 किलोमीटर का वो नई बनाई जाएगी, ताकि जितना पानी बरसात के दिनों में खास करके 4 महीने में हम अपनी कुंड से ज़्यादा ले सकते हैं, उस पानी को लेकर के और हरियाणा की जो प्यासी धरती है उसकी ओर ले जाएंगे, तालाब भरे जाएंगे, पानी की रिचार्जिंग भी होगी और पानी की जो कमी है उससे हम यानी बखूबी परिचित हैं। पानी की कमी जो वर्तमान पानी है उसका ही मैनेजमेंट अच्छा हो, इससे हमने जो पहले भी काम किए कि 300 ट्रेल तक पानी पहुंचाया है, और मैनेजमेंट अच्छी करेंगे, उनकी सफाई कराएंगे, पुनर्निर्माण रिनोवेश कराएंगे, सब कराएंगे। और इसके साथ साथ पानी की लड़ाई वो हमारी लगातार चल रही है, चाहे वो SYL की लड़ाई हो या जो नए प्रोजेक्ट्स हैं जिसको चालू करने के लिए हमने बहुत प्रयत्न किया, बाद में MOU हो गए हैं, जो लखवार डैम है, केसाऊ डैम है और रेणुका डैम है, इन सब डैम्स का पानी भी आने वाले 2 वर्ष के बाद संयोग से उसकी हिस्सेदारी हमारी 47% है, तो 47% पानी उधर से मिलेगा। पाकिस्तान को पानी न जाए, केंद्र सरकार हमारी उस पर भी ध्यान रखे हुए, ओझ का डैम है, रावी पर डैम है, वो डैम बनने से उसका भी कुछ शेयर हरियाणा की तरफ और आगे आएगा, इसलिए हरियाणा की पानी की आवश्यकता इन सब सोर्सेज से पूरी हो, इसके लिए हर बार जब चुनाव आता है तो उसमें एक एक्सरसाइज चलती है, तो उसमें निश्चित रूप से आखिर सीटें ज़्यादा जीते हैं, हर पार्टी अपना प्रयत्न करती है, तो हर पार्टी का अपना प्रोसेस होता है, भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रोसेस है, रिकमेंडेशंस आएंगी, रिकमेंडेशन के आधार के ऊपर सर्वे भी होंगे, मीडिया के माध्यम से भी हमको जानकारियाँ मिलेंगी, उसका भी हम उपयोग करेंगे, सर्वे एजेंसियाँ भी अपना काम करेंगी हमारे पार्टी के माध्यम से, और ये सब बातें आने के बाद फिर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड वो उसको फाइनल करता है, तो किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, ये आखिरी महीने में सितंबर के महीने में ही जा करके ये फाइनल करके सब लोगों को बता दिया जाएगा। हमारे सामने नए पुराने का विषय नहीं होता, जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास कर लिया, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार है, जो जिसकी विजय सुनिश्चित है, ऐसे कुछ पैरामीटर रहते हैं जिसके कारण से हम लोग आगे चुनाव में। सरकार आने के बाद पहली बार ये सिस्टम बनाया अपना कि पहले जो बाढ़ और डिजास्टर मैनेजमेंट की, बाढ़ रोकने और डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग्स हमारी मई के महीने में होती थी, हमने उसको जनवरी में ही उसको मीटिंग करके और सारे प्रावधान करने के लिए हमेशा किया है। इस बार 2 मीटिंग हमने कर ली हैं, जनवरी में भी की थी, अभी कुछ दिन पहले भी चुनाव खत्म होने के बाद हमने बाढ़ नियंत्रण और डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग की है। हर प्रकार की जो तैयारियाँ हैं हमने कर ली है, किसी भी इवेंचुअलिटी में सरकार जो उसका एक प्रकार से उसकी रोकथाम के लिए उसके मुकाबले के लिए।